नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है एहसास। रीमा, ओ रीमा कहाँ हो, अभी तक चाय नहीं बनी क्या, रीमा की सास उम्मा जी चिल्लाते हुए बोली। रीमा अभी सो रही है मम्मी, पति विभव ने जवाब दिया। क्या अभी सो रही है, अरे सब लोग उठ गए और नहा धो चुके हैं और ये सो रही है अभी। हे भगवान, क्या संस्कार दिए हैं इसके घर वालों ने इसे कि सास ससुर पति सब नहा धो चुके हैं और ये मैडम है कि अभी सो रही है। उपमा जी ने गुस्सा होते हुए कहा, अरे मम्मी वो रात में रीमा की तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था उसे और जो ही भी देर से सोई तो उसे रात में वह सही से सो नहीं पाई, इसीलिए मैंने फिर दवाई दी है और कहा है कि वो अभी ना उठे, थोड़ा सो ले, आराम मिलेगा तबीयत में। विभव ने जवाब बताया, बेटा तूने तो अपना फर्ज निभाया, तेरा कहना ठीक था, लेकिन क्या उसे तेरी बात मान के सो जाना चाहिए था। यहाँ हम सब चाय नाश्ते के लिए बैठे हैं, चाय नाश्ता बना देती फिर सो जाती, उम्मा जी बोली। अरे भाग्यवान, रोज तो बेचारी सब टाइम से करती है, आज तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दे और आज तुम चाय नाश्ता बना लो और उसे भी दे देना, विभव के पिताजी ने कहा। मगर मैं कैसे, उम्मा जी कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि जब से रीमा शादी होकर इस घर में आई है तब से उन्होंने किचन में जाना तो क्या किचन की तरफ देखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि सब काम रीमा ही करती है। क्या बात है, इतने सालों बाद किचन में जाने से डर लग रहा है क्या, सच में बहू ने तुम्हें बहुत आलसी बना दिया है। विभव की माँ, सोचो अगर हमारी बेटी अंजलि के साथ भी उसके ससुराल में यही सब हो तो आपको कैसा लगेगा। विभव के पिताजी ने उम्मा जी को समझाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मैंने तो यह सोचा ही नहीं, सच में अगर अंजलि के ससुराल वाले यह सब करे तो वाकई हमें बहुत ही बुरा लगेगा। उम्मा जी बोली, बस तो अब चलो किचन की ओर और हाँ आप अकेली नहीं, मैं भी आपकी मदद करूँगा नाश्ते बनाने में। विभव के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आप, उमा जी ने आश्चर्य से कहा, हाँ मैं भी, एक पंत दो काज हो जाएंगे, एक तो आपकी मदद हो जाएगी और दूसरा उस बहू के लिए कुछ कर पाएंगे जो सुबह से शाम तक बच्चा छोटा होने के बावजूद भी हमारी सेवा करती है। विभव के पिताजी खुश होकर बोले, हाँ यह तो सही बात है, उमा जी ने कहा और दोनों हंसने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।